यस, अभी मैंने एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया है, फ्राई रेसिपी जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। अभी ये मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो शूट कर रही हूँ। एंड चलिए देखते हैं ग्रेवी मैं कैसे बना रही हूँ और ग्रेवी के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बहुत इजी, बहुत क्विक है। ऑलरेडी हमने बैटर जो है वो प्रिपेयर ही कर ही दिया था, बस थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स हमें और ऐड करने हैं जो कि ग्रेवी जो है वो थिक और अच्छी टेस्ट हो, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं। जो फ्राई वाला जो कढ़ाई था ना, वही मैं यूज़ कर रही हूँ और ये इसमें ऑलरेडी ऑयल है। ये मैंने पूरा फ्राई का जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया है और थोड़ा जो फ्राई का ऑयल है वही मैं इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि ये पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने यूज़ नहीं किया। ऑलरेडी फ्राई में बहुत ही ऑयल था तो इसमें हम थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, क्योंकि कहीं तो एडजस्ट करना होता है ना, इसलिए। सो ये बैटर जो था वो ऑलरेडी हमारा चिकन का जो मैरिनेट करके रखा था वो ऑलरेडी रेडी है। तो इस पे मैंने बस इतना ऐड ऑन किया है कि ये मैंने तीन प्याज जो है बड़े, तीन और एक छोटा प्याज, वो अच्छे से कट कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप किया है। ये मैंने तीन टमाटर लिए हैं, वो भी थोड़े मोटे मोटे ही चॉप किए हैं, और धनिया। बस इसके बाद हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ग्रेवी में बहुत सब कुछ हमने डाला है। तो अभी तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज जो है वो ऐड कर दूँगी। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें अभी हम प्याज जो है वो डाल देंगे। तो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए होगा ग्रेवी तो आप इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो, बट मुझे उतना ही सफिशियंट है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। बस इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो मटन मसाला और ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और स्पाइसी भी हो ही जाएगा थोड़ा। कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है ना। अभी प्याज जो है वो अच्छे से पक चुकी है, एकदम हमें काली भी नहीं करना है उसे, मतलब एकदम जला भी नहीं देना है। तो ये थोड़ा सा पिंकिश हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी टोमेटो, ये सारे टोमेटो मैं डाल रही हूँ जितने चॉप किए हैं। और टोमेटो प्याज जब भी हम चिकन बनाते हैं ना, तो कुछ भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालते हैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिकन चिकन इज़ लव यार। तो भर भर के डालिए। सो इसमें मैंने दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो डाल दिए हैं। इसे हमें ढक के एकदम पूरा जो स्मैश हो जाना चाहिए इतना हमें कुक करना है, क्योंकि हमने ये साबुत ही डाला है तो इसे हमें अच्छे से कुक होने देना है, वरना कच्चा जो है वो उसका फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छे से ये कुक हो जाना चाहिए। तो अभी मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट्स तक। सो अराउंड 5 मिनट जो है ये अच्छे से पक चुका है और अच्छे से स्मैश भी हो रहा है। अभी इसमें हम जो हमने ये मसाला बनाया था चिकन का, वो इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ग्रेवी मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर या फिर नमक भी ऐड कर सकते हो आपके अंदाजे से। पहले मैं ये सारा इसमें ऐड करती हूँ। ये जो काला काला दिख रहा है ये फ्राई किया हुआ जो चम्मच था वही मैंने इसमें यूज़ किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो मैं ये इसमें ऐड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा अच्छे से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी तक मैंने इस पॉइंट पे इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बस आप थोड़ा सा नमक डालिए। अगर आपको सूखा चिकन चाहिए तो बिल्कुल पानी यूज़ मत कीजिए, बाकी मसाले तो हमने इसमें डाले ही है। और इसे ढक के हम अच्छे से पकने देंगे जब तक पूरा तेल जो है वो ये छोड़ नहीं देता है पूरा मसाला तब तक। सो देखिए पूरा ऑयल जो है वो छूट चुका है, इसे पकते हुए ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो चुके हैं और हमारे पीस भी जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। सो इस पॉइंट पे आप अगर चाहो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो पानी, बट मुझे थोड़ा थिक ही चाहिए इसलिए मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकती हूँ और ऐड नहीं कर रही हूँ। एंड अभी इसमें डालेंगे हम अच्छा खासा भर भर के धनिया और हमारी चिकन ग्रेवी, चिकन मसाला, चिकन सुक्का, जैसा आप बोलो वो रेडी हो चुका है। दिस इज़ रेडी टू ईट। लेग पीस भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो ये थी मेरी चिकन सुक्का की रेसिपी। कल जो आपने देखा वो चिकन फ्राई बनाया था। मैंने एक ही मसाले से 2 रेसिपी बनाई है। कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसे आप ऐसा भी खा सकते हो या फिर थोड़ा अगर आपको लिक्विड चाहिए, ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, मुझे सूखा ही चाहिए था इसीलिए।
तो यस, कैसे लगी रेसिपी प्लीज कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज वो भी बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, यार बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गुनीज लाइफ, बाय। और क्या क्या देखना चाहते हो ना प्लीज कमेंट में बताइएगा, बाय।